आज फिर मैं लाई हूँ छोटी छोटी सी किचन टिप्स जो कि आपके काम को बहुत ही आसान कर देंगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। ये टिप है मेरी साबूदाना को लेकर। तो छोटी मोटी भूख में अक्सर हम क्या करते हैं, बिस्किट नमकीन या जो मिला खा लेते हैं, पर आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप साबूदाना को छोटी मोटी भूख में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये नायलॉन वाला साबूदाना है ना, ट्रांसपेरेंट सा है, तो इसको अक्सर हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम फ्राई करके फिर खाते हैं। तो फ्राई करने से इसमें काफ़ी ऑयल जाता है ना, तो आप बिना फ्राई किए हुए भी इसे यूज़ कर सकते हो। आपने एयर फ्रायर में लगाना है बटर पेपर, उसके ऊपर ब्रशिंग करनी, हल्के से ऑयल के ब्रश कर दें, ऊपर डालें साबूदाना और ऊपर भी ब्रश से हल्का सा ऑयल बस आपने लगाना है। और अब एयर फ्रायर को आपने चलाना है 200 वॉट पर, 5 to 6 मिनट के करीब आपको लगेंगे। और ये देखें, ये तैयार हो गया है। हाथ से देखें तोड़ने से कितना क्रंची हो गया है। अब इसके ऊपर आप थोड़ा मसाला, चाट मसाला वगैरह डालें, तो ये छोटी मोटी भूख के लिए आपका स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। तो ये मेरी टिप है ग्लास की बॉटल को लेकर। ग्लास की बॉटल अक्सर हमारे पास आती हैं जैम, सॉस या फिर चटनियाँ वगैरह हम खरीदते हैं ना उसमें, तो इस बॉटल को जब ये खाली हो जाए तो हमें फेंकना नहीं चाहिए, ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो इसके ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं ना, इनको उतारना बस मुश्किल होता है। तो इसको उतारने के ना मैं आपको दो आसान से तरीके बता रही हूँ जिससे कि आप आसानी से इनको उतार पाएंगे। तो पहला तरीका तो ये है कि आप थोड़ा गर्म पानी ले लें, गुनगुने से ज़्यादा गर्म लेना है, तो थोड़ा तो इस बॉटल के अंदर भी डाल दें, इसको पूरा भर दें और बाकी इसको डिप कर दें गर्म पानी के अंदर, पूरी डूब जाए। फिर आप इसको छोड़ दें आधे पौने घंटे के लिए। उसके बाद आप जब इस स्टिकर को हटाएंगे तो ये गल गया होगा, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखें निकल गया है, फिर आप इसको साफ कर लें। तो इस तरह से भी आप स्टिकर उतार सकते हो। पर एक तरीका और मैं बता रही हूँ, वो भी बहुत आसान है। तो देखिए, ये मैंने एक और बॉटल ले ली है, इस पर भी स्टिकर लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है हेयर ड्रायर। तो ये देखिए, मैंने हेयर ड्रायर लिया है, इससे हमने हीट देनी है इस स्टिकर के ऊपर। इससे हीट देंगे तो ये जो स्टिकर है उसके अंदर ग्लू है ना, वो हीट से मेल्ट होगी, फिर स्टिकर जो है आसानी से उतर आएगा। ऊपर भी आप हीट दें और इसके बॉटल के अंदर भी थोड़ी सी हीट दे दें जिससे कि स्टिकर जो है आसानी से निकल आए। तो ये देखिए आप कितनी आसानी से स्टिकर हट रहा है। जो स्टिकर हट जाएगा तो नीचे हल्की सी जो ग्लू है चिपक रही है ना, उसको आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर क्लियर कर सकते हो। तो ये देखिए आप, ये वाली बॉटल भी साफ हो गई है। दोनों ही तरीके बहुत ईजी हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे कर सकते हो। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप आलू के चिप्स जो होते हैं घर पर इजीली कैसे बना लोगे, ना इसको उबालना पड़ेगा आलू को, ना धूप में सुखाने की ज़रूरत, बहुत ही ईजीली बनेंगे और बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा क्रिस्प बन जाएंगे। तो आलू आपने कोई भी वैरायटी के ले लेना, थोड़े बड़े बड़े और लंबे हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, छोटे छोटे नहीं लेना। तो आलू को पहले तो छील लेना है। तो आलू के चिप्स मैंने काफ़ी तरीके से बनाने पहले भी बताए हुए हैं, एक मैंने आलू के छिलके जो होते हैं ना उनके चिप्स बनाने भी बताए हुए हैं, आप लोग उसकी वीडियो भी देख सकते हो। आज हम बना रहे हैं आलू से चिप्स, छिलके का आज नहीं बना रहे हैं। तो आलू के चिप्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइफ से या तो पतले पतले चिप्स काटने लगते हैं या फिर चिप्स काटने वाली मशीन से आलू को काट लेते हैं, पर आज ऐसा भी कुछ नहीं करेंगे। जिससे हमने आलू को छीला है ना, ये जो स्क्रैबर है ना, इसी से हम चिप्स काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से काटेंगे ना, पतले पतले लंबे लंबे से इस तरह के चिप्स कटते जाएंगे। देखिए आप, इस तरह के चिप्स चाहे तो आप डायरेक्ट पानी में भी काट सकते हो, पर मैं इसको ऐसे ही काट रही हूँ क्योंकि थोड़े ही हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना ना तो पानी में ही डायरेक्ट इनको काटते जाना। तो अब ये देखिए कितने पतले पतले लंबे लंबे से चिप्स बने हैं ना, ये इसको अब मैं पानी में डाल रही हूँ। तो इसको अब हमने धोना है, फटाफट से धोना है, 2 से 3-4 पानी, जब तक कि इसमें स्टार्च होता है ना वो पूरी तरह ना निकल जाए। तो देखिए मैं धोती जा रही हूँ, इसमें से स्टार्च निकलता जा रहा है। जब स्टार्च निकलना बंद हो गया ना, फिर अब हमने लेना है साफ सा पानी और उसमें डालना है नमक।
तो अगर आप व्रत के लिए बनाओ तो आप सेंधा नमक डाल लेना। तो मैंने ये नॉर्मल सादा नमक डाल दिया आधी चम्मच के करीब, जिससे चिप्स जो है हल्के से नमकीन हो जाएंगे। अब इसमें हमने इनको डुबो के रख देना है 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद चिप्स को पानी से निकाल कर हमने किसी ट्रे पर या किसी कपड़े के ऊपर फैलाना है, धूप में नहीं रखना है। बस इसको ऐसे ही इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर जो पानी है ना वो हट जाए। चाहे तो आप इसे किसी कपड़े से हल्के हाथ से पोंछ लेना, या फिर ऐसे ही उठाकर इसको रख देना पंखे के नीचे। मतलब 10-15 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पंखे के नीचे रख देंगे तो इसके ऊपर जो पानी है वो हट जाएगा। अब इनको करना है फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले फुल गर्म कर लेना, फिर गैस की फ्लेम को मीडियम करके चिप्स को हमने डालना है। तो एक एक चिप्स नहीं डालना है, काफ़ी सारे इकट्ठे डाल लेंगे। तो चिप्स डालकर आपने इसके ऊपर अब डालना है थोड़ा सा पानी। तो जो नमक का पानी है ना वही 1 से 2 चम्मच तक बस डालना है। इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि ये जो चिप्स हैं फ्राई करेंगे तो लाल रंग के नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए आप, ये इनका कलर कितना अच्छा आया है और बहुत क्रिस्पी से बने हैं। तो मैं इनको निकाल रही हूँ और दूसरे बैच में भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये चिप्स बनाने में टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि इसको हमने ना तो बॉईल करना है, ना धूप दिखानी है, सुखाना नहीं, कुछ भी नहीं करना होता है। जब भी मन करे, बच्चे जिद करें, तो आप इसको फटाफट बना सकते हो। अब ये तैयार हो गए हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, रेड चिली, जो भी अपनी पसंद का आपको मसाला लगे वो डालें और इसको इंजॉय करें। बहुत क्रिस्पी करारे से चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? इनमें से आपको कौन सी वाली टिप अच्छी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।